गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल इकाई कोटकपुरा वालों करवाए जा रहे रन फॉर फार्मर एक दौड़ किसानों लई प्रोग्राम संबंधी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दे मुख दफ्तर करियाना भवन कोटकपुरा विखे प्रधान ओमकार गोयल की अगवाई हेठ हुई मीटिंग दौरान वख-वख बुलारियां ने दस्या कि उक्त प्रोग्राम का आयोजन 10 जनवरी दिन एतवार को सवेरे 7:30 बजे म्यूनसिपल पार्क कोटकपुरा तो किया जा रहा है, जिस विच शहर दियां लगभग सारियां संस्थावां जथेबंदियां सभा सुसायटियां क्लबां यूनियनां नाल संबंधित किसान मजदूर व्यापारी मुलाजम विद्यार्थी अर्थात हर वर्ग के वीर भैणां बच्चे बजुर्ग औरतां भरमी शमूलियत करनगे। ओमकार गोयल, बलजीत सिंह खीवा, शाम लाल मैंगी, हरीश सेतिया, जतेंद्र सिंह जशन, विपन बिट्टू, धर्मेंद्र कटारिया, गुरिंदर मेहंदी रत्ता, मास्टर जगमोहन सिंह आदि ने दस्या कि उक्त प्रोग्राम विच सारिया ट्रेड यूनियनों के अहुदेदार अपने परिवारों समेत शमूलियत करनगे। उन्हां दस्या कि दौड़ म्यूनसिपल पार्क तो शुरू होकर शहर के वख-वख गली मुहल्लियां बाजारां अते होर मार्गां तो हुंदी होई म्यूनसिपल पार्क विखे ही समाप्त होवेगी। कोटकपुरा तो पत्रकार गुरमीत सिंह मीता की विशेष रिपोर्ट। इस बार जिहड़ी एक दौड़ किसानी लई रन फॉर फार्मर उहदे संबंधी चैंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज दे प्रधान ते रिटेल किराना एसोसीएशन दे राष्ट्रीय प्रधान ओमकार गोयल जी वल्लों जिन्नियां ट्रेड यूनियनां ने साडियां कोटकपुरे दियां उहनां दी मीटिंग बुलाई गई सी, उहनां दे प्रधान आए सन। उहनां दे प्रधानां नाल की विचार वटांदरा होया किराना भवन कोटकपुरा विखे, आपां चलदे हां पहलां बलजीत सिंह खीवा जी कोल। हाँ जी खीवा जी, अज जिहड़ी तुहाडी मीटिंग होई उहदे बारे। अज किराना एसोसीएशन और चैंबर ऑफ कमर्स ने एक इनिशिएटिव लिया जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल एक दौड़ किसानी लई करवाउण जा रहा है। ये दौड़ कल्ले किसानां दी नहीं है, पूरे पंजाब की गल है। ये बड़ा वधिया उपराला कीता है चैंबर ऑफ कमर्स की सारी इंडस्ट्रीज़ ने, जिन्हें भी ट्रेड यूनियनस इन्हां नाल ने, क्योंकि इक्को गल हुंदी है वी पंजाब का अन्नदाता पूरे देश का ढिड भरदा है, और जेकर आर्थिक तौर पर पंजाब का अन्नदाता दुखी होया तो पूरे देश नूं आर्थिक तौर पर दुखी होना पऊ, व्यापार जिहड़ा सारा साडा इस खेती ते खड़ा है। सो एक दौड़ उन्हां लोकां दे लई सुनेहा देण दे लई असीं करन जा रहे हां जिहड़े लोग उस संघर्ष का हिस्सा नहीं बन सके। 10 जनवरी सवेरे 7:30 बजे म्यूनसिपल पार्क तो एक दौड़ शहर दे विच बजुर्ग बच्चे नौजवान व्यापारी वर्ग सारा इकट्ठे होकर एक दौड़ करन जा रहे हैं, लोगों को सुचेत करने लई और सरकार को जागरूक करने लई भी हर एक वर्ग इस ऑर्डिनेंस तो औखा है, तो सानू ये किसी ना किसी तरीके नाल इस ऑर्डिनेंस में सोध करनी चाहिए है, जां इसनू वापस लैके पंजाब नू आर्थिक तौर पर तकड़ा करने लई सानू पहलकदमी करनी चाहिए। श्री ओमकार गोयल जी कोल चलदे हां। जी प्रधान जी, अज चैंबर ऑफ कमर्स की जो मीटिंग हुई है साढ़े तकरीबन 25 के करीब ऑर्गनाइजेशन हैगी है, और असं जानते हैं कि साड़ा जिन्नी भी ट्रेड है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे रिटेल है, चाहे होलसेल है, सारा दारोमदार कृषि पर है, किसानी पर डिपेंड करता है, और साड़ा जिहड़ा एरिया है वह तो खास करके किसानी पर डिपेंड करता है। तो साढ़े लोग ये महसूस करते हैं कि चाहे असी दिल्ली नहीं जा सके पर गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों जो पिछले दिनों तो उपराला कर किया जा रहा है वो तो प्रभावित होकर साढ़े लोगों ने फैसला किया कि वध तो वध सहयोग करिए और किसानों के हक च आप दी आवाज़ बुलंद करिए, जो ये जो ऑर्डिनेंस पास होए है इन्हों का हल निकल सके, और असी चाहते जो किसान चाहता है वो हल होना चाहिए ना कि सरकारी हल हो, क्योंकि सारा कुछ पंजाब का जो बिगाड़ हो चुका है, पंजाब की जो इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, पंजाब का जो व्यापार खत्म हो चुका है, इस वेले कोरोना के करके भी किसानी और साडा व्यापार बिल्कुल ठप है, उस नूं बचाने लई बहुत जरूरी है किसान नूं और इंडस्ट्री नूं बचाना। सो उहदे लई असी 10 तरीक नूं गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों जो उपराला किया गया उहदे च वध चढ़ के हिस्सा पावांगे और किसानों के हक च डट के खड़ांगे। शाम लाल मैंगी जी, जो हलवाई यूनियन के प्रधान ने, जो अज साडी चैंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री की मीटिंग हुई है उस फैसला लिया गया है कि जो गुरु गोबिंद सिंह सर्कल वालों 10 तरीक नूं किसानों के हक दौड़ शुरू कर जा रहे हैं, असी वध चढ़ के हिस्सा लवेंगे, और साडी सरकार तो यही मंग है कि जो किसान दिल्ली के बैठे है उन्होंने मंग नूं मन्निया जाए, जो व्यापार पंजाब का पहले ही करोना करके पिछड़ चुका है वो होर ना पिछड़े, क्योंकि साडा व्यापार किसानी के नाल है, साडा मालवे का खेत्र जिहड़ा वो किसानी के नाल ही जुड़िया है, असी व्यापारी किसानी नाल जुड़े हैं। साडी सरकार तो पुरजोर बेनती है कि जो मंग किसानों की
है उन्होंने मनिया जाए तो तुरंत वो आपके घर वापस आन साडा व्यापार साडा देश दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। हुण आपां चलदे हां जी मैरिज पैलेस एसोसीएशन जिला फरीदकोट के प्रधान ते अरोड़ा महासभा के जिला प्रधान हरीश सेतिया जी को। हाँ जी सेतिया जी, देखो जी जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी स्टडी सर्कल वालों किसानां लई रेस का जो म्यूनसिपल पार्क तो प्रोग्राम आरंभिया गया सानू उस दे विच सारे व्यापारियों सारे भैन भरावां नूं उन्हां दा साथ देना चाहिए। किसानी एक साडे लई मेन एम है जिहदे नाल साडा पंजाब सारा साडा व्यापार साडा चलदा है। कपड़ा एसोसीएशन के प्रधान जतिंदर सिंह जशन जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, सारे ही शहर वासियां नूं गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों जो सेंटर ने तुसीं जाणदे हो पिछले दिनों के दौरान काले कानून किसानों के उपर थोपे है जिस नाल पूरा अपना हरियाणा पंजाब बहुत दुखी है जी, पूरा समाज ही दुखी है क्योंकि साडियां भैणां मातावां साडे भरा लगातार संघर्ष जारी है। ठंड के दिनों के दौरान शहीदियां पाईया जा रही हैं पर सेंटर के कन्नां तक कोई जू नहीं सरक रही। सो इस दे लई अपने शहर वासी असी ट्रेड यूनियन सारिया चैंबर ऑफ कमर्स कोटकपूरा असी भावें उत्थे धरनों के शामिल नहीं हो सके पर हुण जो एन जी ओ गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों ने जो प्रोग्राम नजिठिया है किसानी लई दौड़ 10 जनवरी दिन एतवार को 7:30 बजे म्यूनसीपल पार्क तो शुरू हो रही है। मेरी सारे ही शहर वासियों नूं बेनती है भैणां नूं मातावां नूं बच्चों भी आपां समय सिर 7:30 बजे हाजिर हो के किसानी संघर्ष दे विच अपना योगदान पाइए। जरूर पाइए। हाँ जी जनरल मर्चेंट्स एसोसीएशन के प्रधान विपन बिट्टू जी, सत श्री अकाल जी। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल का यह उपराला बहुत वधिया है, एक किसान एक दौड़ किसानों लिए यह प्रोग्राम लिखा गया है। सानू सारे अपील है कि करते हैं कि इस विच सानू बहुत सारा इकट्ठा होकर चलना चाहिए ता कि सरकार तो इस दबाव पर रह सकी कानून बारे द्वारे विचार कर मसला हल हो सके। मास्टर जगमोहन सिंह जी को जाने तो पहले आप दोधी यूनियन के प्रधान धर्मेंद्र कटारिया जी को चलते हैं। हाँ जी वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे सत्कारयोग शहर वासी श्री ओंकार गोयल जी की नरम जो ये अगवाई कर रहे हैं उन्होंने संबंध के जो किसानों वालों धरने लग रहे दिल्ली के कोटकपुरे के एक रोस मुजहरा दे रूप दे विच एक दौड़ किसानी लई रन फॉर फार्मर मास्टर जगमोहन सिंह जी दसदे ने। हाँ जी गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के प्रचारक ने, तुसीं दसो आ दौड़ बारे कित्थों शुरू होनी है कित्थे समाप्त होनी है। कोटकपुरा दे विच रन फॉर फार्मर्स एक दौड़ किसानी लई असीं कढ रहे हां तां मैं इस दौड़ संबंध में कहना चाहुंदा वी जिथे असीं 3 ग्रुपां दे विच चलांगे अगे वीर होणगे विचाले बच्चे होणगे बीबियां होणगियां तां पिछे फिर होणगे कोई वी कल नहीं होऊगा। ਤਾਂ ਇਹ ਦੌੜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਦੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਮਕਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ
पार्टिसपेशन करांगे, उन्हां दी शमूलियत होगी। वध तो वध लोकां नूं इह दसना जरूरी है कि किसान, मजदूर, व्यापारी, मुलाजम, विद्यार्थी, हर वर्ग का जन अंदोलन है। कल्ले किसानां दा नहीं, वह कल्ले फसलां लई नहीं, वह साडियां नसलां लई भी, नसलां दी राखी लई, साडे आउण वाले नवीं पीढ़ी का भविख सुरक्षित करन लई लड़ाई लड़ रहे हैं। कोटकपुरा तो गुरिंदर सिंह।